सो वेलकम बैक गाइस टू द चैनल ऑफ द इंटायर वन, एंड अब टाइम आ गया है कि फिर से हम अपनी सेकिरो को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने ग्योबू ओनिवा को हरा दिया था, जो एक बॉस था, बॉस ना होस, एंड अब हम इसे आगे जाना है। बट आगे जाने से पहले एक बार आसपास का हम चेक कर लेते हैं कि आखिर कुछ पड़ा तो नहीं है जो हमें पिक कर सके। मैडम आशीना कासल के काफी पास पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके। ओके, तो जस्ट मुझे अभी पीछे एक रास्ता दिखा है जहाँ पर से सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं। आई गेस हम वहाँ पर नहीं गए हैं अभी तक। अरे यहाँ ट्राई करते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पे देख के आते हैं कि अगर वहाँ कुछ है तो नहीं। पहले यहाँ पर एक नज़र डाल लेते हैं, फिर देखते हैं हमने क्या करना है। बहुत सारे गार्ड्स दिख रहे हैं मुझे। इशिन नो यामाई यहारी ओमोई यो जा ततोए गेनइचिरो गा ओरे दो आशिना नो कुनी नागकु वा नासा सो दा नो शिते मो हितोतसु नो निन वा 城の蛇谷の側が黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な生中にはやれぬぞ。आई गेस ये वही शॉर्ट स्टैचर के क्रिएचर्स हैं जो रैट्स हैं जिनकी बात करी थी लॉन्ग नोस मैन ने। तो काफी डेडली आए हैं देखा जाए तो। अरे डैमेज बहुत सॉलिड था यहाँ पे। मैं गैस मेरे को यहाँ से भागना चाहिए, मैं ज़्यादा देर यहाँ पे होल्ड कर नहीं सकूँगा।
आई गेस ये लास्ट था उनमें से। एंड टाइम है वापस जाके लॉन्ग नोस मैन से रिवॉर्ड लेने का यहाँ का। ओके सो अभी भी ये लास्ट नहीं था, अभी भी यहाँ पर कोई और भी है। एंड I think ये लास्ट था यहाँ पे। तो सारी पिकअप की जो आइटम्स हैं यहाँ पे वो चक ली जा रहे हैं एक बार। एंड अब टाइम है वापस जाके रिवॉर्ड लेने का आई गेस। ओके तो यहाँ पे रास्ता है, पहले यहाँ पर भी चेक कर ही लेते हैं। आई गेस एक गार्ड से लड़े बिना कासल में एंटर करने के लिए बनाया हुआ है यहाँ पे रास्ता ये वाला। तो वापस चल के देखते हैं कि आखिर उन्हें हमारे क्या देना है एज अ रिवॉर्ड। ओ नेज़मी को खाता हो जाना। ओ यहारी ओ नुशी निवा हितोकिरी नो साई गा। योश ओबी जा とっておけ。ओके तो यहाँ इससे हम स्किल्स सीख सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स की।流派と言うても堅苦しい決まり事などない。ただ戦に勝つ。その一時を至上とする権威。ネズミ狩りに何よりお主の戦に役立てるがいい。तो आगे जाने से पहले वो रेस्ट कर लेते हैं फिर से। तो ये हमें न्यू स्किल्स मिली है यहाँ से।
ओके तो यहाँ पे गार्ड्स जो हैं वो जस्ट स्पॉन हो चुके हैं एंड ये बस जल्दी से इनको ख़त्म करते हैं एंड आगे बढ़ते हैं। तो ये था नॉर्मल गार्ड्स एंड ये है एक राइफलमैन। सोच रहा हूँ जाने से पहले इनके भी हाथ देते जाऊँ यहाँ पर से। तो यहाँ पर एक जायंट है। ऑल राइट तो यहाँ एक और जायंट है, यहाँ से भागना चाहिए अभी के लिए। माय बैड, यहाँ पे ये करना नहीं था पर चलो कोई बात नहीं। ओके तो मैं शायद से साइलेंट किल कर सकता हूँ पीछे से एंड ही इज आउट। आसपास के बार एरिया चेक कर लेते हैं कि यहाँ कुछ पड़ा तो नहीं है काम की चीज हमारे लिए पिक करने के लिए।
だが仕方なかろうて。アシナは今や存亡の危機。なりふりなど構っておれぬでな。じゃが。ええ、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度起これば敵味方の別などなかろうでな。और राइट तो यहाँ पे गार्ड्स किसी थिंग की बात कर रहे हैं जो काफ़ी ख़तरनाक लग रही है डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग एंड मैं एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि उस थिंग से अभी हमें ही लड़ना पड़ेगा देखो तो अभी तक जितने भी कॉन्वर्सेशन हमने सुनी है वहाँ पे जितने भी जिस भी चीज़ की बात हुई है आई डोंट नो हमें क्यों उसी से लड़ना पड़ता है लेट्स सी क्या चीज़ है अभी पहले यहाँ पर चेक कर लेते हैं वो तो यहाँ स्पिरिट एम्बलम दिखते हैं मुझे ओके यहाँ मुझे किसी ने स्पॉट कराया जस्ट यहाँ पे ओके आई गेस ये लिजर्ड्स हैं यस पॉइजनस लिजर्ड थी यहाँ पर एंड मैं इनसे बच चुका हूँ आगे चलते हैं यहाँ से और मैं सोचा था यहाँ पर शायद ग्रैपल हो जाएगा बट यहाँ ग्रैपल का ऑप्शन ही नहीं है कोई और तो मैं तीन गार्ड्स हैं यहाँ पर एंड तीनों पे साइलेंट किल पॉसिबल है ऊपर तो नहीं चढ़ सकते हैं यहाँ पे ओ फक ब्लेजिंग बुल ये क्या चीज़ है ओके फॉगेट आ गया एंड बाहर नहीं जा सकता मैं यहाँ से अब ओ फक आई गेस ये वही थिंग है जिसके बाहर गार्ड्स बात कर रहे थे फायर क्रैकर इस पर काम कर रहे हैं बट एंड फेस पे ज़्यादा डैमेज हो रहा है बॉडी पे डैमेज काफ़ी कम हो रहा है ना के बराबर रिजरेक्ट करेंगे यहाँ पर खुद के एक बार
काफी टफ है ये एंड आई एम डेड. एक बार फिर से ट्राई करेंगे यहाँ पर हम. एंड मैं सोच रहा हूँ कि जैसे हम बुल्स को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, आई गेस हम बुल को भी डिफ्लेक्ट कर सकते होंगे सिंस बोथ ऑफ देम आर एनिमल्स. तो आई गेस शायद हम इसे डिफ्लेक्ट कर सकते हो. मैं सोच रहा हूँ पहले से सारा एरिया क्लियर करवा लिया जाए. तो टाइम आ गया है. ओके तो उसको डिफ्लेक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है. आई गेस शायद हम इसे डिफ्लेक्ट नहीं कर सकते हैं. ओके 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 तो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हुआ है. एंड उस डिफ्लेक्शन की वजह से बुल भी स्टन हो गया था एक सेकंड के लिए. आई गेस अब मैं इसको हरा सकता हूँ. ओके थोड़े से डिस्टेंस बना लेना चाहिए यहाँ पे. और ने मुझे पकड़ लिया. आउच ये बैड मूव था मेरे लिए. एंड मुझे चांस मिल ही नहीं रहा है इसलिए रिकवर होने का. And I'm done. एक बार फिर से ट्राई करेंगे यहाँ पर हम. तो अगेन पहले यहाँ पर तो ऑब्स्टेकल्स क्लियर कर लिए जाए सारे. तो यहाँ डिफ्लेक्शन फेल हो गई. ओके डिफ्लेक्शन. तो लालच नहीं करनी चाहिए थी यहाँ पे बिल्कुल भी.
ओके यहाँ मैंने वैसे ग्रीडी हुआ और मेरे लग गया आई डोंट नो ये क्या कर रहा है यहाँ पे मैंने अटैक स्टाइल चेंज कर लिया बुल ने थोड़ा सा अपना एंड आई एम आउट बर्न हो गया यहाँ पर मैं फाइनली वो अटैक जिसकी मुझे जरूरत है ओके ओके यहाँ बुल पागल हो गया है नो वेट ओके तो ये रुक गया था एंड फिर उठ चुका है एंड ही इज डन एंड विद दिस यहाँ पे डोर ओपन हो चुके हैं एंड गार्ड्स आ गए हैं फिर से यहाँ पे आई डोंट नो मैं गार्ड से इतना खराब क्यों लड़ रहा हूँ कब भागने की जरूरत है मुझे यहाँ से फाइनली आई डोंट नो मुझे यहाँ एक नॉर्मल गार्ड को डिफीट करने में दिक्कत क्यों आई थी बट खैर अभी हो गया है एंड सामने एक स्कल्प्टर आइडल पड़ा है एंड यहाँ लेफ्ट में एक रास्ता जा रहा है हमें सामने जा सकते हैं नीचे भी कुछ है एक ओल्ड लेडी है यहाँ पे बहुत कुछ है यहाँ पे हम रेस्ट करेंगे एंड आई गेस अभी के लिए इतना एडवेंचर काफ़ी होगा बाकी का जो भी एडवेंचर होगा जैसा भी एडवेंचर होगा सेकिरो को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए द एंटायर डे वन हेयर साइनिंग आउट